أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي मेरे बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स फिफ्थ क्लास चैप्टर नंबर 8 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग पेरीमीटर कैलकुलेट करने की एग्जांपल्स को देखेंगे ठीक है जी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें ये प्रॉब्लम दे दी जाए कि एक प्लेग्राउंड जो है उसके उसके किनारे पे हमने दीवार लगानी है वॉल लगानी है तो वो कैसे लगाई जाएगी कैसे उस वॉल की जो टोटल लेंथ है वो कैलकुलेट की जाएगी तो जवाब था पेरीमीटर कैलकुलेट करके ठीक है और ये पेरीमीटर और एरिया के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं दोनों के यूनिट्स क्या हैं दोनों की डेफिनेशंस क्या हैं दोनों की एग्जांपल्स क्या हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ऑब्जर्व द गिवन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अब इनमें से आपने ये देखना है कि स्क्वायर कौन है और मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि स्क्वायर ऐसी चार कोनों और चार साइडों वाली बंद शक्ल जिसकी सारी साइडों की जो लेंथ है वो क्या होगी तो ये स्क्वायर और ये क्या रेक्टेंगल है इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर है और इसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या है बराबर है प्रॉब्लम है किसी को तो करना क्या आप गौर से सुनना द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री विच इज हाईलाइटेड इन ब्लू इज कॉल्ड द पेरीमीटर ये देख रहे हो अब वो मेरे ख्याल में आपको सही नजर आ रहा है ब्लू कलर या नहीं नजर आ रहा मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ये जो बाउंड्री आप सबको नजर आ रही है कलर्ड इन ब्लू ये बाउंड्री सुन रहे हो ये ब्लू कलर में जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है इस बाउंड्री की जो लेंथ है इसको किसका नाम दिया जा रहा है इसको किसका नाम दिया जा रहा है पेरीमीटर का क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई बोलते क्यों नहीं हो हाँ सो फिर कह रहे हैं द ग्रीन पोर्शन कौन सा पोर्शन ग्रीन पोर्शन मेरे ख्याल में ये लाइट स्काई स्काई ब्लू है ठीक है ग्रीन नहीं है ये वाला रीजन देख रहे हो ना सारे के सारे ये स्काई ब्लू है ग्रीन नहीं है चलो उन्होंने जो कलर कहा लेकिन हमें नजर आ रहा है सराउंडेड बाय द बाउंड्री जो बाउंड्री के अंदर मौजूद है या जिसको बाउंड्री ने सराउंड किया हुआ घेरा हुआ है क्या किया हुआ घेरा हुआ है ठीक है इस कॉल्ड एरिया तो ये वाला रीजन जो अंदर मौजूद है ठीक है ये वाला रीजन इसको वो एरिया कह रहे हैं एनी प्रॉब्लम समझ आ गया सबको सो अब अगर आप सबको बंदा ये कहते हैं कि कैलकुलेट द पेरीमीटर इसका पेरीमीटर निकाल लें रेक्टेंगल का तो बताएं इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके बराबर आएगा पी विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई एल प्लस डब्ल्यू याद है ना तो अब क्या करेंगे हम लोग टू मल्टीप्लाई एल कितना है नाइन और डब्ल्यू कितना है थ्री थ्री प्लस नाइन कितना हो गया 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आ जाएगा या मैं लिख देता हूँ 24 ये 24 मीटर जो है ये इसका पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का अब अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना हो स्क्वायर का कैसे निकालेंगे पेरीमीटर किसके बराबर 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड 4 मल्टीप्लाई 2 आंसर कितना आ गया 8 मीटर ये इसका पेरीमीटर हमने निकाल दिया प्रॉब्लम है किसी को आगे चलते हैं ट्राई योरसेल्फ की बात हो रही है कहता कैन वी कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स ये तीन फिगर्स हमें यहाँ पे गिवन है क्या हम इनका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं तो जवाब क्या है रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर ठीक है तो बेटा क्या रीजन है बिकॉज ऑल दीज फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड फिगर्स मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूं आंसर देख लें We can not calculate the area and perimeter
ऑफ गिवन फिगर्स। क्यों नहीं कर सकते? आप रीजन देंगे, बिकॉज दीज ऑल फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड फिगर्स आर, शाबाश, आर नॉट क्लोज्ड फिगर्स। ठीक है, ये मैंने रीजन दे दिया। पहले मैंने बता दिया कि वी कैन नॉट कैलकुलेट, हम नहीं मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं, किसका? एरिया एंड डायमीटर का, ऑफ द गिवन फिगर्स, जो दी गई फिगर्स हैं। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दीज, ये जो फिगर्स हैं, दीज ज्यादा के लिए बोलते हैं, तीन फिगर्स हैं ना, तो ये जो ऑल फिगर्स है, ये तमाम जो फिगर्स हैं आर नॉट क्लोज्ड फिगर्स, ये क्लोज फिगर्स नहीं है। और जो डेफिनेशन है एरिया और पैरामीटर की, वो अप्लाई हो सकती है किस पे? क्लोज्ड फिगर्स के ऊपर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर टॉपिक बन गया जी। हमने स्क्वायर का पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करना है, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। हमें पता है कि जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड के बराबर होता है। ऐसा ही है, द विंडो ऑफ अवर क्लासरूम इज स्क्वायर शेप्ड। जो हमारे विंडो कहते हैं खिड़की को, अवर कहते हैं हमारे, क्लासरूम कहते हैं कमरा है जमात को, इस है स्क्वायर शेप्ड। किसकी शक्ल की? स्क्वायर की शक्ल की, नजर आ रही होगी सबको। द लेंथ ऑफ वन साइड, अब एक साइड की लेंथ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि चारों साइडों की लेंथ स्क्वायर की क्या होती है? बराबर होती है। इस 2 मीटर्स, हाउ कैन वी फाइंड इट्स पैरामीटर, हम इसका पैरामीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आप सबको तो पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका। पैरामीटर ऑफ, अब मैं यहां पे विंडो लिखूंगा, और हमें पता है विंडो क्या है? स्क्वायर शेप की है। ऐसा ही है, तो बराबर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। ऐसा ही है या नहीं? तो 4 वैसे लिखेंगे, जो एक साइड की लेंथ आपको दी गई है वो कितनी है? 2 मीटर। ऐसा ही है, बोलो भाई। ये हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा? 8 मीटर। तो ये पैरीमीटर ऑफ विंडो हमारे पास आ गया, ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम किसी को? अब आगे क्या लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। वी कैन फाइंड द पैरीमीटर बाय एडिंग द लेंथ ऑफ वन साइड, सुन रहे हो, वन साइड ऑफ द विंडो 4 टाइम्स। दूसरा तरीका कार क्या था पैरामीटर फाइंड करने का? क्योंकि ये विंडो जो है स्क्वायर फॉर्म में है, तो जो एक साइड की लेंथ है 2 मीटर्स, उसे आप कितनी दफा ऐड कर ले? 4 टाइम्स। तो आपको क्या मिल जाएगा? पैरामीटर मिल जाएगा। एक तरीका कार ये, वो इन्होंने मेंशन कर दिया पहले। आर या दूसरा तरीका जो है बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ वन साइड विद 4, जो कि मैं आपको ये करवा चुका हूं कि एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पैरामीटर मिल जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? बोलो भाई। द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो एक स्क्वायर होता है उसकी जो ऑल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ क्या होती है? उसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। अब यहां पे आपको ये काम करवा रहे हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है लेंथ ऑफ वन साइड के साथ, और जो एक साइड की लेंथ थी वो कितनी थी? 2 मीटर्स, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब यहां आपको क्या दे रहा है ट्राई योरसेल्फ में, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर शेप। एक साइड की लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। सो सॉल्यूशन देखो, मैं पी का मतलब पैरामीटर, ओ का मतलब ऑफ, और एस का मतलब स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ वन साइड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 4 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ वन साइड से, 9 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 9 फोर द, लेकिन यहाँ पे 7 सेंटीमीटर डालना, क्योंकि एक चार्ट की जो लेंथ है वो किसमें? सेंटीमीटर में। प्रॉब्लम किसी को? क्या इधर देखो, यहाँ पे इसकी बात कर रही हो, इसकी बात कर रही हो, इसकी? हाँ, आप बच्चे मैथमेटिक्स में ना, हम एक काम करते हैं, बेशक आप यहाँ पे सेंटीमीटर डालें, ठीक है, उसका इशू को नहीं है, लेकिन मुझे पता है लेंथ सेंटीमीटर में है, तो इसका जो यूनिट है ना वो हम फाइनल स्टेप में जाकर डाल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये हमने कन्वेंशन रखी हुई है कि सारे पहले कैलकुलेशंस कर लो,
और यूनिट मुझे पता है कि यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, तो देयरफॉर हम लोग सेंटीमीटर लास्ट पे डालते हैं। अगर साथ भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गया सबको? गुड, ट्राई योरसेल्फ हमने कर लिया जी। और ये मीटर में था ना, तो हमने आंसर के साथ मीटर डाला। ये सेंटीमीटर में था तो आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। और अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज करो तो क्या करोगे? सेंटी की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 5th चैप्टर याद है नहीं याद? 1 डिवाइडेड बाय 100 सब्स्टिट्यूट करोगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलें। उस्मान हैज ए स्क्वायर शेप्ड पिक्चर फ्रेम विद अ लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। उस्मान Has a square shaped picture. उस्मान की जो एक पिक्चर है वो क्या है? वो स्क्वायर शेप्ड है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, आ रही है ना? Yes. और जो एक साइड की लेंथ है वो कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्रेम। तो क्या करना है, 4 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, या आपने क्या करना है, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा या स्क्वायर फ्रेम होगा वो बराबर आ जाएगा 22.5 तक। Yes. 22.5 को 4 टाइम्स ऐड कर लो, सेंटीमीटर बेशक साठ डाल दो, क्लियर है सबको? Yes, मसला है किसी को? सुनो क्या करेंगे, इनको चार दफा ऐड करो, क्लियर है? या आप यहां पे 4 लिखो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 22.5 सेंटीमीटर के साथ। बताओ कौन सा काम आसान है? असल काम तो यही है ना, लेकिन इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म हुई है, तो क्या करो 22.5 को ऊपर लिखो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 जीरो लगाया, 2 कैरी किया, 4 2 8 + 2 10 हुआ, जीरो लगाया, 1 कैरी किया, 4 2 8 + 1 9, तो कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद, तो यहाँ हम पॉइंट डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 90.0, तो 0.0 हम नहीं डालते, सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फ्रेम आ गया हमारे पास। प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर हुआ? सो द पेरीमीटर ऑफ पिक्चर ऑफ द स्क्वायर पिक्चर फ्रेम इज 90 सेंटीमीटर। की फैक्ट क्या जी? ये आपको वो फार्मूला बता रहे हैं जो हम मुसलसल यूज कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका प्रूफ भी कर लिया था। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। अब ट्राई योरसेल्फ में एक और आपको सवाल दे दिया उन्होंने, कहता है ड्रॉ ए स्क्वायर विद ए पेरीमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं? आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसका पेरीमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर है। अब हमें तो नहीं पता कि एक साइड की लेंथ कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? देखो सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, हमें पता है पेरीमीटर पी बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, ऐसा ही है? बोलो भाई। और पेरीमीटर कितना दे दिया? पेरीमीटर इज का पेरीमीटर यही है ना, तो 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की जगह पे 12 सेंटीमीटर लिख दो, किसी को मसला है? 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये असल में क्या है? लेंथ ऑफ वन साइड। मसला, हमें सिर्फ एल चाहिए। क्या चाहिए? इस 4 को हम यहां से कैसे खत्म कर सकते हैं? डिवाइड कर देंगे। एक और तरीका मैंने बताया, यूनिटरी मेथड में मैंने आपको समझाया। ये 4 मैं यहां से खत्म करना चाहता हूं, यहां 1 लाना चाहता हूं, 4 से इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो, तो 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 3 12। तो 1 को किसी भी सिंबल से या नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही वापस आता है। एल मल्टीप्लाई 1, आंसर एल ही आएगा। ठीक है, समझ आया? तो जो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब हमने स्क्वायर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करें फुटे के साथ। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, समझ आ रही है? और ये भी 3 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है नहीं क्लियर? सो आपने ऐसे इसको ड्रॉ कर देना। और ये ड्रॉ कैसे करते हैं, इसकी मेथडोलॉजी आपके चैप्टर नंबर 7 में। प्रॉब्लम किसी को? A square shaped ground is 20 meters long. एक साइड की लेंथ कितनी है? इधर इसको पढ़ो पहले न्यूमेरिकल के अंदर जो की वर्ड्स है उन्हें देखो। स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड, तो जो एक साइड की लेंथ होगी बाकियों की भी क्या होगी? वही होगी। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? इफ ए पर्सन टेक्स 5 राउंड, एक बंदा क्या करता है? 5 चक्कर लगाता है।
किसके ग्राउंड गए, व्हाट टोटल डिस्टेंस डज ही कवर, वो टोटल कितना फासला कवर करेगा, कोई मुश्किल प्रॉब्लम। अब बात को समझना, पहले तो ये बताओ एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो बात को समझो, ये एक प्ले ग्राउंड है स्क्वायर शेप, एक साइड की लेंथ कितनी है 20 मीटर, ऐसा ही है। जब वो एक चक्कर लगाएगा टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20+20+20+20 मतलब पेरीमीटर के बराबर। भाई सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, अब मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, वन राउंड, गौर से सुनना सोल्यूशन, जो वन राउंड है डिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं, पेरीमीटर के बराबर होगा, ऐसा है या नहीं है। आप स्क्वायर बताइए, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ 1 साइड, 4 एज इट इज लिखा मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ 1 साइड कितनी है 20 मीटर्स बेटा, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है 20 मीटर्स, तो ये हमने 20 लिख दिया, या इसको ऊपर यहाँ पे लिख ले लेंथ ऑफ 1 साइड किसके बराबर है 20 मीटर्स, वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। 4 टू द क्या होता है 8 के साथ 0 डाल दो, 80 मीटर्स। ये क्या है, एक राउंड का डिस्टेंस है, किसका, एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होगा, वन राउंड डिस्टेंस। हमने कितने राउंड का डिस्टेंस फाइंड करना है, 5 का, तो क्या करेंगे बताओ जरा, सोच के बताओ, यूनिटरी मेथड का पूरा चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, किसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो, हाँ 5 राउंड्स की बात हो रही है, राउंड्स 5 करना है, यहां पे कितने राउंड्स आ रहे हैं 1, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 5, जितने राउंड्स का डिस्टेंस फाइंड करना उससे मल्टीप्लाई कर दो, सो मैं लिख रहा हूं यहां पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 5 मल्टीप्लाई 1 राउंड, ठीक है, डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा 5, सुन रहे हो, मल्टीप्लाइड विद 80 मीटर्स, दोनों साइड को कर दिया, अब 5 अंदर 5 राउंड्स तो साथ आ जाएगा डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड यूज हो रहा है यहां पे आपका, तो 85 का क्या होता है 40, साथ वो जीरो जो छोड़ा था वो भी लिख दो, तो 400 मीटर्स का डिस्टेंस वो बंदा कवर कर लेगा आफ्टर 5 राउंड्स। तो ये ग्राउंड का चक्कर लगाया करो, तो हमारे कुबा वाले ग्राउंड के वैसे ही आप 2-3 चक्कर लगाए तो 1 किलोमीटर तो बन ही जाएगा, काफी बड़ा ग्राउंड है ना, तो इस तरह भी एक्सरसाइज आपकी हो सकती है। आगे चलते हैं, तो ये तो हमने कर लिया स्क्वायर के पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व, अब आगे बात किसकी है, पेरीमीटर आप रेक्टेंगल की बात है, और उसका फॉर्मूला तो आपको आता है, मैंने सिखाया प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, द लेंथ ऑफ ए बुक इज 26 सेंटीमीटर, जो बुक की शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, तो जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है, एंड इट्स विड्थ इज 19.5 सेंटीमीटर, हाउ कैन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बुक, हम किस तरह मालूम कर सकते हैं बुक के पेरीमीटर को, बताइए कैसे करेंगे, चारों साइडों की लेंथ को ऐड कर दो या 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, यही फॉर्मूला ना, सो वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर बाय एडिंग द लेंथ ऑफ द टू साइड्स एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द टू, सुन रहे हो, ये फॉर्मूला बताया उन्होंने, तो ये देख रहे हो, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये भी लेंथ है, समझ आ रहा है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, समझ आ गया, अब लेंथ कितनी दफा ऐड हो रही है 2 दफा, विड्थ कितनी दफा ऐड हो रही है 2 दफा, दोनों से 2 कॉमन लिया, ये फॉर्मूला बन गया, प्रॉब्लम किसी को, अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, देख रहे हो, कर लोगे या करवाऊंगा आगे, मैं करके देता हूं आपको सॉल्यूशन, हमें रेक्टेंगल की बनती, लेंथ को मैं कैपिटल एल से शो कर रहा हूं और विथ को कैपिटल डब्ल्यू से, ये भी कैपिटल डब्ल्यू होगा, ये कैपिटल एल होगा, मैं एक एक की वैल्यू डाल रहा हूं यहां पे, और जो हमारे पास लेंथ गिवन है हमें दैट इज 26 सेंटीमीटर, हम यहां पे क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है
19.5 सेंटीमीटर क्लियर है। मैं यहां पे लिख देता हूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि कैपिटल एल और किसके बराबर है 26 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो कि डब्ल्यू के बराबर है एंड दैट इज 19.5 सेंटीमीटर। अब हम यहां पे लिखेंगे पेरी मीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कैपिटल पी एंड क्या था फॉर्मूला इसका एल प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू, एक ये है। दूसरा मैंने क्या कहा था एल दो दफा ऐड हो रहा है, टू एल लिखा प्लस टू डब्ल्यू लिखा, दोनों से क्या आ रहा है टू कॉमन आ रहा है, टू हमने बाहर लिखा एल प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में लिखा, पहले इन दोनों का ऐड करो फिर टू से मल्टीप्लाई करो। सो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। टू एज इट इज आकर लेंथ कितनी थी 26 और विड्थ कितनी थी 19.5, साइड बिन को ऐड कर लेते हैं, 26 लिखा पॉइंट लिख के आगे जीरो डाल दो, 19.5 है पॉइंट लगाया 9 लगाया 1 लगाया 5 यहां पे लिखा दोनों को ऐड किया, 5 प्लस 0 5 होता है, पॉइंट यहां पे आ जाएगा 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 5 लगाया 1 कैरी किया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 45.5, 2 मल्टीप्लाई 45.5, सुन रहे हो बात, 45.5 को हमने मल्टीप्लाई करना किसके साथ 2 के साथ, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा 2 5 10 जीरो लगाया 1 कैरी किया, 2 5 10 प्लस 1 11 हुआ, 1 लगाया 1 कैरी किया, ठीक है, 2 4 8 और 8 प्लस 1 पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 के बाद आंसर आ गया 91.0 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये पेरीमीटर आया किसका रेक्टेंगल का, यही फार्मूला था ना, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि कैपिटल बी है, दिस इज योर आंसर। आगे चले अच्छा ये बच्चे आंसर डाल दिए यहां पे। ट्राई योरसेल्फ मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर टीचर्स टेबल, ये आपकी असाइनमेंट है, आपके टीचर का जो टेबल है उसकी लेंथ मेजर करें, कल से एक फीता लेके आए ना घर से, ठीक है, जिसको आप मेजरिंग टेप भी कहते हैं, वो घर से लेके आए, इसकी लेंथ निकालें फिर इसकी विड्थ निकालें, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद आपने इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है टेबल का, एनी प्रॉब्लम, चले आगे। की फैक्ट क्या है, लो जी फार्मूला बताएंगे आपको, कहता है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद लेंथ प्लस विड्थ, पहले ऐड करना फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट का मतलब ये होता है, प्रॉब्लम किसी को। ए रेक्टेंगुलर पूल इज 10 मीटर लॉन्ग, एक रेक्टेंगुलर पूल है उसकी जो लेंथ है ये नजर आ रहा है सबको पूल लेंथ कितनी है उसकी 10 मीटर और जो उसकी विड्थ है वो कितनी है 7.3 मीटर, क्लियर हो गया समझ आ गया, वाइड का मतलब उसकी विड्थ है, सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पूल, जो पूल है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। लो बेटा इधर से करता हूं, लेंथ क्या है 10 मीटर, विड्थ क्या है 7.3 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला लिख दिया, ये मैंने यही लिखना था ऐसा ही है, टू एज इट इज नीचे आ गया, एल की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया और डब्ल्यू की जगह पे 7.3, अब 10 प्लस 7. यहां मैं जीरो डाल रहा हूं 7.3 ऐड करो 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 17.3, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 टू द 6 समझ आया, उसके बाद क्या करेंगे 7 टू द 14 4 लगाया 1 कैरी किया, 2 1 द 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 और कितने के बाद पॉइंट आएगा 1 के बाद पॉइंट है ना, तो 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। सो द पेरीमीटर ऑफ द पूल इज 34.6 मीटर्स, एनी प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है सबको, अब उसके बाद क्या बता रहे हैं हमें, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन का मतलब पता बगीचा बाग, ये लेंथ दे रहे हैं आपको, बड़ी जो साइड होती है हम उसको लेंथ कहते हैं, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 21 मीटर, प्रॉब्लम किसी को, ये विड्थ है, ये कितनी दे दी आपको एंड द विड्थ इज 16 मीटर, प्रॉब्लम है इफ द रेट, ये बड़ा मजे का सवाल है इसको समझो, इफ द रेट ऑफ फेंसिंग, अगर जो रेट है, रेट का मतलब क्या होता है भाव, कीमत, कीमत इज
170 रुपीज पर मीटर। क्या मतलब है इसका कि अगर एक मीटर फेंस लगाई जाए, जैसे हमारी बार क्यारी में जाली लगी हुई है ना, अगर एक मीटर आप फेंस लगवाएं तो आपको 170 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड द गार्डन। आपने सारे गार्डन के गिर्द फेंस लगाने की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी है। आपको एक मीटर की दे दी गई है, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। मैं आपको सॉल्व, ये स्टेप सुनना, पहले आप इसका पेरीमीटर निकालो कि टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ पहले पेरीमीटर निकालो चुपचाप। सॉल्यूशन, लेंथ क्या थी भाई बोलो? लेंथ ऑफ द गार्डन 21 मीटर है, विड्थ 16 मीटर, W इज इक्वल टू 16 मीटर। पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, पैरी मीटर। आप गार्डन क्योंकि रेक्टेंगुलर था, बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। 2 एज इट इज आ जाएगा, लेंथ कितनी है 21 और विड्थ कितनी है 16। हम 21 और 16 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 8। समझ आया ये नहीं आया? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 37। अब 27 का क्या होता है 14, 4 लगाया 1 करेगी और 2 3 6 प्लस 1 कितना हो गया 74। गुड, समझ आया सबको? आगे चलो, यहाँ मीटर साथ डाल देना, पेरीमीटर एज इट इज लिखते हो। क्लियर हुआ बेटा? ये टोटल लेंथ है गार्डन के किनारे की। अब हमें पता है एक मीटर के लिए कितने रुपए लगते हैं, 170 रुपए। तो टोटल के लिए कितने लगेंगे, 74 टाइम्स 170 को ऐड करो या 74 को सीधा सीधा 170 से मल्टीप्लाई करो। बात नहीं समझे? अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ जो आपने करना है लास्ट कैलकुलेट करने के लिए। प्राइस आपने कहना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गार्डन, क्या पैरी मीटर ऑफ गार्डन मल्टीप्लाई रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, या सिर्फ रेट लिख दो, रेट ऑफ फेंसिंग लिख दो, इट इज एनफ। ओके अच्छा मुझे ये बताएं, ये एज इट इज साथ डालना है आपने। पेरीमीटर कितना आया 74 मीटर्स, 74 ऐसे ही लिखा मैं, मीटर अखीर पे आंसर डालूंगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैं लिख देता हूँ 74 मीटर्स मल्टीप्लाई करना किससे, 170 रुपीस, ऐसे ही है रुपीस 170 पर मीटर, मतलब डिवाइडेड बाय मीटर। पर मीटर का मतलब ये होता है मीटर से मीटर कट गया, 74 को 170 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 था 74 था 28, 2 करी गया 4 बंदा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 70 था 077 था 49, 9 लगाया 4 करी गया, सुन रहे हो 7 बंदा 7 प्लस 4 कितना हो गया 11, 0 8 9 प्लस 6 15 होता है, 5 लगाया 1 करी किया 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हैं? वेरी गुड, 12,000 यहाँ रुपीज भी डाल देना बच्चों, ये मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ रुपीज को। रुपीज कितने आ गए 12,580 रुपीज। तो ये बच्चे कॉस्ट है फेंसिंग की। प्रॉब्लम किसी को? सबको समझ आ गया? क्लियर है? वेरी गुड। सो हम देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। हमारा आंसर ठीक है, 12,580 रुपीज इज द प्राइस ऑफ द कॉस्ट फॉर फेंसिंग द होल गार्डन। अब गौर से सुनना, ट्राई योर सेल्फ। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 66 मीटर्स। पेरीमीटर कितना है? इफ द लेंथ ऑफ दिस फील्ड इज 15 मीटर्स, फाइंड द विड्थ ऑफ फील्ड। बहुत आसान काम है। पेरीमीटर दिया आपको, गौर से सुनना, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है किसके, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ऐसा है या नहीं?
हमें पेरीमीटर की वैल्यू दे दी उन्होंने 66 मीटर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 66 मीटर्स इक्वल टू 2 लिखा, लेंथ कितनी थी 15 मीटर्स, लेंथ ऑफ दिस फील्ड इज 15 मीटर्स, हमने यहां पे लिख दिया 15 प्लस विड्थ हमें पता ही नहीं है, क्लियर है बेटा। पहले इस 2 को खत्म करेंगे, किसको तो कैसे खत्म करते होते हैं, डिवाइड करके 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 3 6 33 मीटर्स बराबर आ गए। अब 1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट वैसे ही आएगी, सुन रहे हो, और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है नहीं है ना, ब्रैकेट रिमूव कर दो, 15 प्लस W, ये भी मीटर्स में था ठीक है ना, मैं यहाँ मीटर डाल देता हूँ, एनी प्रॉब्लम। अब गौर से सुनना बेटा, मैंने ये 15 भी यहाँ से उड़ाना है, तराजू के एक पलड़े में मेरे ब्रेड डिवाइड नहीं करेंगे, तराजू के एक पलड़े में जब आपने एक चीज डाली होती है और दूसरी साइड पे आपने क्या डाला था, बाट, 1 किलो सब्जी है ना अगर एक पलड़े में, तो दूसरे में आपने क्या डाला होता है, 1 किलो का वटा, अगर यहाँ 5 किलो सब्जी है तो यहाँ पे 5 किलो का वटा होगा, बाट होगा, ठीक है समझ आ गई है। तो बंदा कहता है नहीं 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 मैंने 3 किलो सब्जी लेनी है, आप 2 किलो का बाट यहाँ से उठाओगे और 2 किलो सब्जी, बेटा ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, मैं यहाँ से भी माइनस करूंगा 15 मीटर्स और यहाँ से भी माइनस करूंगा 15 मीटर्स, ये इससे एडिशन का उलट सब्ट्रैक्शन होता है, याद रखना, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका उलट डिवीजन होता है, आ समझ आया, ये इससे कट गया, पीछे सिर्फ W रह गया, पीछे सिर्फ W, अब 33 में से 15 निकाल लो, पीछे आंसर क्या रह जाएगा, नहीं यार 33 में से, यार ये देखो 33 माइनस, अभी बता दो, इधर से 1 लिया 2 रह गया पीछे, ये कितना हो गया 13, 13 में से 5 गया, 2 में से 1 गया, बेटा 18 मीटर्स आपका आंसर है। इसको बार बार देखना बड़ा आसान काम है, लेकिन समझदार के लिए कि जो ऐड हो रहा है उसको काटना माइनस करके दोनों साइडों से, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको काटना है डिवाइड करके, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग हाँ बार्ब्ड वायर अराउंड द फील्ड इफ द रेट ऑफ वायर इज कितना, 220 रुपए पर मीटर, वैसे ही सवाल है इस तरह का। अब मुझे बताओ कांटेदार तार, बार्ब्ड वायर क्या कांटेदार तार जो है, देखी हुई है ना, वो जो लोहे की एक तार होती है पर कांटे लगे हुए होते हैं, बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेट कैलकुलेट करने के लिए फेंसिंग का आपने पहले टोटल पैरीमीटर निकालना है और पैरीमीटर को रेट से मल्टीप्लाई करना है आपने, हमारे पास तो पैरीमीटर पहले गिवन है या नहीं, आप इसको रेट से मल्टीप्लाई करो बस, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, पैरीमीटर टोटल लंबाई है ना, तो टोटल को 1 मीटर के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल प्राइस पता चल जाएगी, प्रॉब्लम किसी को तो लिख दूं, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब मैं फार्मूला क्यों नहीं डाल रहा, पैरीमीटर पी मल्टीप्लाई कॉस्ट, ठीक है ऑफ 1 मीटर, प्रॉब्लम किसी को, तो पैरीमीटर कितना 66, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितना है जी, पर मीटर कितना आ रहा है 220, ऐसा ही है, तो मैं यहां डाल देता हूं 220 पर मीटर, 7 रुपीज भी थे, मीटर से तो मीटर काट ही जाना, अब रुपीज भी से बच जाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66 और 22 को, ठीक है मैं 0 बाद में अखीर डाल दूंगा, 6 to the 12 आ गया, 2 लगाया 1 कैरी किया, फिर 6 to the 12 आ गया, 13 आ गया, देखो 2 3 1 2 5 4, तो यहाँ पे जो रुपीज आपके पास आएंगे 14,520 रुपीज, ये 0 भी हमने साथ डालना था, ठीक है इसलिए भाई आप 0 डाल के मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है अक्सर औकात बच्चे ये 0 छोड़ जाते हैं। सो बच्चों आपका जो थ्योरी वर्क था वो खत्म हो गया, अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो शुरू होगी, और एक्सरसाइज में बड़े मजे मजे के क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं, बड़े मजे मजे के क्वेश्चंस। मुझे ये बताओ इस स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होगा, एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करना है बस, 28 इसका
52, इसका 16. आपको तो आंसर आते हैं सारे, आपने पहला पूरा सवाल सॉल्व कर लिया। अब इसका क्या करेंगे, देखो अब इसका पेरीमीटर निकालना, 9 और 5 को ऐड करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, को 2 से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आ जाएगा 28 हो गया, 3 और 8 को ऐड करो 11, 11 को 22 और देखो 12 को 2 में 14, 14 को 2 से फिर 28, आपने ये भी सॉल्व कर लिया। लेंथ और विड्थ को ऐड करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे इसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई करना, समझ आया कि नहीं आया? आया ना, दो सवाल तो आपके वैसे ही देखते देखते सॉल्व हो गए, तो इंशाल्लाह कल हम इनको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सारा कुछ इंशाल्लाह और फिर हम इनके सॉल्यूशंस लिखेंगे, ठीक है? तो वैसे तो देख के तो आपने सारे सॉल्व कर लिए, लेकिन कल हम इसका सॉल्यूशन आपको लिख के देंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान